अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू होम किचन विद हुसैन शाज़ी। आई होप आप लोग सब फिट फाट होंगे। और तमाम फ्रेंड्स को सुन और मेरे तमाम फॉलोअर्स को, जो मेरी वीडियोस को, रेसिपीज़ को और मेरे जितने भी फेसबुक के फ्रेंड्स हैं, सबको रमज़ान मुबारक। आई होप आप लोग तमाम रोज़े रखेंगे रमज़ान के, और मेरे लिए खसूसन दुआ कीजिएगा। और आज हम बनाने जा रहे हैं फालसे का शरबत, जो कि बहुत ईजी है, मार्केट में मिलता है, लोग इसे लेके आते हैं। लेकिन इसे घर में बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका है, आप इसे अपने घर में बना सकते हैं। मार्केट वाले से थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, घर में बनाइएगा। और इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, हमें चाहिए फालसा, 1 कप शुगर, ये मैंने 250 ग्राम मतलब फालसा है मेरे पास, और शुगर 1 कप, ब्लैक पेपर और चिल वाटर। सबसे पहले हम, मैं जो अपने शेकर जार के अंदर शुगर को डाल के, शुगर डाल देंगे इसमें, और थोड़ा सा पानी डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम अच्छी तरीके से शेक कर लेंगे अपनी चीनी को। जैसे ही हमारी चीनी अच्छी तरीके से घुल जाएगी, तो मैं इसके अंदर अपना फालसा जो है वो इसमें ऐड कर दूंगा। अब मैं इसके अंदर जो ऐड करने जा रहा हूँ, वो है हमारा फालसा। फालसा जो कि लोग गर्मियों में बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, हमने इसमें फालसा ऐड कर दिया। और इसको हमने थोड़ा सा मतलब करना है शेक, ताकि जो इसकी गुठलियों से गुर्दा है वो हट जाए, ज़्यादा नहीं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ पिंच ऑफ सॉल्ट। आपने इसमें थोड़ा सा अपना ब्लैक पेपर, जो सॉरी ब्लैक पेपर कह रहा हूँ, काला नमक थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे, और बाकी का सारा ठंडा जो पानी है वो भी मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। और इसे एक दफ़ा फिर से हम हिला लेंगे, मतलब अच्छी तरीके से ग्राइंड कर देंगे। दैट्स इट, हमारा जो काम है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। अब हमने इसको स्टेन करना है। अब मैं इसको इसमें से निकाल के, और जो हमारी छन्नी है उसमें से हम इसको स्टेन करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसको स्टेन कर लेंगे, और ताकि जो इसका पल्प है वो सारा निकल जाए, और जो हमारा शरबत है वो नीचे आप देख रहे हैं जैसे कि इसमें से जाता जा रहा है। सारा जो हमारा शरबत है, इस तरीके से हम इसके अंदर से इसको स्टेन कर लेंगे। स्टेन करने के बाद जो हमारा शरबत है वो नीचे चला जाएगा, और जो इसका गूदा है जो, उसे हम अलहदा से सेपरेट कर लेंगे। इसी तरीके से मैंने स्टेन कर लिया है। स्टेन करने के बाद हम इसे अपने अलहदा से गिलास में जो है वो निकाल लेंगे। आई होप आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करेंगे, ज़रूर बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ये आप अफ्तारी में, सहरी में, जब दिल चाहे बनाएं, अपने बॉटल्स में इसे बना के रख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।